सावन माह की शुरुआत के साथ शिवालय बमबोले के जयकारों से गूंज उठे। शहर के शिवालयों में लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। पूरे माह मंत्रोच्चार से रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, पूजन का दौर चलेगा। कांवड़िया पुष्कर और अन्य स्थानों से जल लेकर शिवालयों में अभिषेक कर रहे हैं। रविवार को तोपगढ़ा स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर में पुष्कर से कांवड़िया जल भर कर लाए और जलाभिषेक किया। इस मौके पर स्थानीय लोग मौजूद रहे। सावन माह की शुरुआत बुधवार से हो चुकी है। रविवार सुबह से शहर के झरनेश्वर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, मदार गेट, रामगंज, केसरगंज, बिहारीगंज, नया बाजार, आतेड़, आगरा गेट, वैशाली नगर, कोटड़ा, आदेश नगर और अन्य शिवालयों में पूजन का दौर शुरू हो चुका है। कोटड़ा के अंदर एक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। हर साल के बाद इस साल भी सारे कांवड़ियों के अंदर बहुत ही जोश उत्साह के साथ इन लोगों ने एक भव्य आयोजन करने का प्रयास किया। सारे जितने भी कांवड़िए थे यहाँ से पुष्कर गए और पुष्कर से झूमते गाते और कावड़ लेकर के आए हैं। आज बहुत ही खुशी का जोश और माहौल तैयार किया है यहाँ पे। इसके तहत मैं सभी तोपगढ़ा निवासी और सभी कावड़ियों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और चाहता हूँ कि हर साल ये इसी के भांति लेकर के आते रहें। कावड़ और सारे जितने भी हैं पहले के भांति कम थे, आज और अब की बार मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा उत्साह रहे और ज़्यादा तादाद में कांवड़िए जाएँ, ताकि एक पूरे अजमेर शहर में मैसेज जाए कि तोपगढ़ा में भी काफ़ी भव्य तरीके से कांवड़ का आयोजन किया जाता है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।